हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और आज इंडिया में महाशिवरात्रि है मेरे यहाँ कल होगी, पर मैं मंदिर जा रहा हूँ, सोचा मंदिर जाके आते हैं। और इस रास्ते पे मैं जिस दिन पहली बार कनाडा आया था उसके अगले दिन सिम नंबर बनवाने गया था, तब गया था। उसके बाद अब जा रहा हूँ मैं इस तरफ में, ज़्यादा जाता नहीं हूँ तो इसलिए अभी मंदिर इसी जगह है तो जा रहा हूँ। गूगल मैप के सहारे 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो मेरे लिए 2 किलोमीटर चल रहा बड़ी बात नहीं है। तो अभी चलते हैं। और भाई वाह, क्या सिस्टम है आज, क्या मौसम है भाई आज, मतलब कसम से भाई ये शहर का मौसम ना बहुत बढ़िया है। और मेरे को कमेंट में एक बंदा बोलता, भाई तू UCW के बारे में लिखता है बताता नहीं है। भाई मैं टैग यूज़ करता हूँ, कीवर्ड यूज़ करता हूँ, मुझे मत बता कि मेरे को वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, मैं बनाऊँगा। ठीक है, तुझे नहीं देख रही तो किसी और की जाके देख, क्योंकि तेरे को मेरे से ज़्यादा जेन्युइन चीज़ें कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं क्लिकबेट कर रहा हूँ तो तुम्हारे हिसाब से हाँ मैं कर रहा हूँ क्लिकबेट, पर जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल से, जो मेरे को कॉमेंट्स आ रहे हैं इंडिया के अलावा, भाई उनको क्लिकबेट नहीं लग रहा, उनको मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में एंड दे आर एंजॉइंग माई वीडियो। ठीक है, तो चलते हैं अभी मंदिर और शिव मंदिर जाऊँगा, वहाँ पर गुरुद्वारा साहिब भी है और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, शनि मंदिर भी है, दिखाता हूँ आ जाके कि कैसे इंडियन कम्युनिटी बस ही बढ़ी है पूरी कनाडा में। ऐसा तो इसी चीज़ का है रहने का, जो सामने यू नो टोरंटो में क्या है कि सीधी सड़कें हैं, यहाँ तो भाई कभी चढ़ाई कभी नीचाई, जैसे लाइफ में होता है ना, कभी लाइफ अच्छी चल रही है कभी लाइफ बुरी चल रही है कभी मीडियम चल रही है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है। फेडेक्स का ट्रक और मेरा कुछ सामान इंडिया से आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे को शिप हो जाएगा यहाँ पे, और उसका व्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल क्योंकि इंडिया से सामान आ रहा है, घर वाले भेज रहे हैं, बता देता हूँ कपड़े ही आ रहे हैं। ठीक है, देख लो सामने यार, पूरा बहुत अच्छा सीन है, मतलब बहुत सेक्सी सीन है वो पूरा किंग जॉर्ज का एरिया। तो चलते हैं मंदिर। इस मेरे 200 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए, थैंक यू सपोर्ट के लिए। लोग सोचते हो कि 200 सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू बोल रहा, भाई 200 सब्सक्राइबर छोटे छोटे कदम ही ना इंसान को बड़ी चीज़ों की तरफ लेके जाता है, और जो आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है भाई वो अनएक्सेप्शनल, मतलब सोचा नहीं था कि इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसा सच कुछ ज़्यादा अभी प्रोफेशनल वीडियो बना नहीं रहा, तो सोचा नहीं था कि इतना अच्छा सपोर्ट आप दोगे। और यार बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब देखा 2.5-3 महीने हो गए कटवाए हुए, और अभी मैं पूरा मतलब उस लुक में जा रहा हूँ कि पूरे दाढ़ी वाढ़ी बढ़ रही है यहाँ साइड वाइड से, पूरा बाल बाल बढ़ा रहा हूँ, पूरे ना जो होते ना इंटेंस लुक होता है उसमें जाने की सोच रहा हूँ। तो नहीं क्या, मतलब मेरे को अलग से ही मतलब लग रहा है कि कुछ नहीं छेड़खानी करनी बालों के साथ, जैसे बढ़ रहे हैं बढ़ने दो, और बीएड के साथ भी नहीं करनी, बढ़ रही है बढ़ने दो, एकदम थोड़ा 1.5-2 महीने और छिड़वाऊंगा नेपाल में, और उसके बाद पूरा सेट करवा के आऊँगा। और अभी हम लैंगले की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट की सड़क जो लेफ्ट की तरफ जो सड़क जाती है वो लैंगले की तरफ जाती है भाई, ये देखो। और अभी 2-3 दिन मेरा स्टोर से भी ऑफ है, सिक्योरिटी का लाइसेंस आ जाएगा तो मेरे को शायद ये भी ऑफ नहीं मिला करेगा, क्योंकि जब थोड़ा और शिफ्ट मारा करूँगा, अभी 3 सब्जेक्ट है, अगले सेम में 4 लूँगा, तो जल्दी MBA कंप्लीट करनी है। बस ये है कि 1.5 साल बाद किसी न किसी हालात में इंडिया जाना है, क्योंकि थोड़ी होम सिकनेस टाइप, मतलब थोड़ा घर की याद आ रही है कि मतलब हाँ यार मैं सोचता था कि ईजिली मन लग जाएगा, मैं ऐसा बनता हूँ कि मेरा कहीं भी जाके मन लग जाता है, और मैं इतना शिकायत करता नहीं किसी चीज़ की कि मेरा मन नहीं लग रहा मेरा वो नहीं हो रहा, पर पहली बार लाइफ में ना मेरे को फील हो रहा है कि पत्नी यार कि इंडिया जाना है पहली बार, मतलब पहले मैं दूर थोड़ा घर से थोड़ा दूर कहीं और चला गया, किसी रिश्तेदार के घर चला गया, अपने कज़न्स के घर चला गया, तो वहाँ पे मेरे को था कि मैं कर लेता था, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था ज़्यादा, मेरा मन वगैरह का मेरे को कोई चक्कर नहीं था। पर भाई यहाँ पे आके तो थोड़ा यार ठंड के चक्कर में लोग घर में पड़े रहते हैं तो डिप्रेसिंग सा माहौल है। ठीक है, बाकी और कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं, और पढ़ाई के लिए ठीक है कनाडा, पढ़ाई के बाद अगर कहीं माइग्रेट करना हो UK USA ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप में तो सोच सकते हो PR लेने सिटीजनशिप लेने के बाद, पर उसमें ही आपको फिर 4-5 साल लग जाएंगे, तो 27-28 साल की उम्र में बनता शादी के बाद मेरे को लगता है कि रिस्क लेता है, तो पर देखेंगे। और इतनी जल्दी पहले कुछ बनना है लाइफ में, तब देखेंगे कि कहाँ कितना किस उम्र में शादी करनी है। मैंने एग्जैक्ट एज अभी जो सेट कर रखी है 29-30, उससे पहले नहीं करूँगा। ठीक है, कुछ नहीं बना तो नहीं करेंगे, ठीक है, कोई ज़्यादा कोई मेन चीज़ नहीं है मेरे लिए, मैं अकेला भी रह के खुश हूँ।
तो ये पूरा यार घर में ना लोगों के ये जो बैकयार्ड है ना, लोगों ने यहाँ पे पूरा बास्केटबॉल लगा रखा है। तो अभी बस आ गया मंदिर, चलता हुआ अंदर, अभी चढ़ाई आ गई है और भाई बारिश आ सकती है, मैं अम्ब्रेला नहीं लाया, तो जल्दी जल्दी चल गए। आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर कैसा, कैसे मंदिर है आगे, मतलब मंदिर तो सारी जगह के सेम होते हैं पर यहाँ के थोड़े डिफरेंट है। मंदिर आ गया और भाई सामने कुछ प्रोग्राम सा चल रहा है, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है और मैं पहले शिव मंदिर जाऊंगा, सबसे पहले शिव जी के पास, महादेव के पास जा रहे हैं सबसे पहले। एंड दिखा तो आपको काफ़ी थोड़ा ना, देखो साइड में गुरुद्वारा है ठीक है, और सामने शिव मंदिर है, उसके साइड में शनि मंदिर है, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, पता नहीं सामने चल के आ रहा है, जाके देखते हैं। महाशिवरात्रि के लिए शायद कुछ हो रहा है, तो कल क्या पता आ जाए, कल अगर टाइम तो है, कल छुट्टी है तो आएंगे शिवरात्रि में ना, यहाँ पे आएंगे, देखते क्या प्रोग्राम होता है कनाडा में शिवरात्रि के लिए। यस भाई वाह, क्या सजावट कर रखी है भाई, सिस्टम ये है ना भाई, अपने इंडियन कम्युनिटीज मतलब हर जगह अपना पूरा लेके जाते हैं कल्चर, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सामने शिव जी सजा रखे हैं, तो अभी चलते हैं अंदर शिव जी शिव मंदिर के और दिखाते हैं आपको ऐसा भी शिव मंदिर में। इधर भी तो उन्होंने ऐसे किया अभी हम आ गए लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर, ये खाली होगा मेरे हिसाब से, हाँ खाली है। तो अभी लक्ष्मी नारायण मंदिर आया था एंड मैंने बस नॉर्मल बोला कि मेरे को घर के लिए कुछ चाहिए, भगवान का और शिव जी का मतलब महादेव का कुछ चाहिए, शिवरात्रि है एंड भाई उन्होंने मेरे को शिव जी का पूरा ये स्वरूप दे दिया, एक पूरा बड़ा फ़ोटो फ्रेम लेके जा रहा हूँ मैं साथ में। और आज के दिन ये मिलना मतलब यू नो काइंड ऑफ थोड़ी खुशी सी हो रही है कि घर पर भगवान को लेके जा रहा हूँ, वैसे भगवान तो हर जगह पर मैंने बोला और मेरे को दे दिया। एंड उन आंटी ने बोला कि कल बेटा सेवा कराने भी आ जाइयो शिवरात्रि वाले दिन, पूरे दिन सेवा कराइयो, और एंड मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इससे बढ़िया बात ही क्या कि सामने से खुद सेवा करने का ऑफर मिल रहा है और मैं क्यों ना करूं। और अपने यही तो खूबसूरती अपने इंडियन कल्चर की कि मतलब बाहर आके बिना हम अपने कल्चर नहीं छोड़ते, हम कई लोग छोड़ देते पर मोस्टली नहीं छोड़ते, तो यही खूबसूरती है। और मैं महादेव को बस घर लेके जा रहा हूँ और ख़त्म करते इस व्लॉग को, यही अभी सेम एनर्जी सेम इंटेंसिटी नहीं कर सकता
क्योंकि 3 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, सोचा था 2 किलोमीटर पर 3 चल के आया हूँ, और हाथ में बहुत बड़ा स्वरूप है महादेव का, तो उसके लिए शायद मेरे को बस लेनी पड़ेगी या देखता हूँ पैदल ही जाता हूँ, क्यों $2.5-3 बस में ख़राब करने, इतना तो चल सकता हूँ पैदल। और बस रिवॉर्ड मिला मेरे को आज इतना लंबा चलने का कि महादेव को साथ लेके जा रहा हूँ, अब तो बस पूरा दिन अच्छा जाएगा मेरा और कुछ अच्छी चीज़ें भी हो जाए साथ में तो मज़ा आ जाएगा। तो एंडिंग दिस व्लॉग विद सेम एनर्जी एंड सेम इंटेंसिटी गाइस।